आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को कैसी तैयारी के साथ हमने तैयारी की है, प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको समस्त जानकारी माननीय मंत्री महोदय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। करके और 1000 तक की बालिकाओं को इसमें रजिस्ट्रेशन करके उनको प्रशिक्षित करें। इसके साथ ही साथ ये कोर्स के साथ में हमारा खाद्य सामग्री निर्माण और प्रसंस्करण का काम है, फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, फोटोग्राफी कैसे होती है वो हमने 15 फ्लैग्स और बैनर लगाए हैं। उन 15 फ्लैग्स और बैनर्स पर संपर्क सूत्र का नाम लिखा हुआ है, उसका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, वो फोन करके वहां से फॉर्म प्राप्त कर सकती है और उन्हीं को वापस फॉर्म जमा भी करा सकती है। हम आगामी 12 तारीख से 19 तारीख तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी बालिका विकास बालिका कौशल विकास शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इस शिविर में लगभग 800 से 1000 की संख्या में बालिकाएं भाग लेंगी और 12 प्रकार के कोर्सेस इस शिविर में उनको कराए जाएंगे। चंद्रदाई नगर के ऑल सेंट स्कूल के परिसर में यह पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। इस शिविर की विशेष विशेषता यह है कि इस शिविर में जो भी बालिकाएं आएंगी वो निशुल्क उनका आवेदन रहेगा, उनके दोपहर के भोजन चाय की व्यवस्था आयोजन समिति की ओर से होगी और साथ में ही उनके आने जाने के लिए जो वाहन वो निवेदन करेंगे कि हमें वाहन उपलब्ध कराया जाए तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी रखी गई है। साथ ही साथ में प्रत्येक बालिका ना केवल एक कोर्स बल्कि अधिक से अधिक वो 4 कोर्स इस शिविर में सीख सकेगी। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। एक बार आने के बाद उसे 5 बजे ही उस परिसर से वो बाहर निकल सकती है। इन कोर्सों के साथ साथ में जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो हमारा जल स्वावलंबन अभियान है, पर्यावरण संरक्षण है, किशोरी स्वास्थ्य है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग की बात है, इस प्रकार भारत स्वच्छ भारत अभियान है, ये आधे आधे घंटे की वार्ताएं भी उनसे विशेष विशेषज्ञ आके करेंगे। बालिकाएं चूंकि किशोरावस्था में की उम्र की बालिकाएं रहेंगी, 16 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की बालिकाएं इसमें भाग ले सकती हैं, इसलिए वो बालिकाएं कैसे विधि का ज्ञान उनको हो, महिलाओं से संबंधित कानून कौन कौन से हैं और उनका उनमें किन किन धाराओं में उनको संरक्षण प्राप्त है, उस प्रकार की भी वार्ता इसमें रखी गई है। इस शिविर की विशेष बात यह है कि 20 तारीख को जब इसका समापन होगा तब समापन के अवसर पर पूरी प्रदर्शनी हम इसमें लगाने वाले हैं और जो बालिका प्रत्येक कोर्स, चूँकि 12 कोर्स इसमें रखे गए हैं, तो जो बालिका बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगी उस बालिका को हम अजमेर जो एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, अजमेर एयरपोर्ट से जो पहली फ्लाइट होगी उस पहली फ्लाइट में उन बालिका 12 कोर्सों की 12 बालिकाओं को हम यात्रा कराने वाले हैं एक पुरस्कार के रूप में उनको। और सीखने के बाद में यदि वो बालिका स्वयं अपना रोजगार शुरू करना चाहती है, वो रोजगार के साथ साथ में लोन लेना चाहती है, तो उसको आगे की भी गाइडेंस आयोजन समिति करेगी। उसको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से उपलब्ध होता है फॉर्म, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको लगाने हैं, तो इस तरह से उसको हम रोजगार के साथ जोड़ते हुए उसको यदि बैंक से भारत सरकार की मुद्रा योजना के लिए यदि उसको आवेदन करना है तो वो कैसे और कहाँ आवेदन करें, वो सब भी उनको सिखाया जाएगा। तो इस तरह से ये एक पूरी तरह से एक पूरा कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें हमने किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ा है। ये पूरे कार्यक्रम का जो संयोजक है वो हमारे हरी जानवरानी जी उनके संयोजक रहने वाले हैं। इसके साथ ही हमारी महिला मोर्चा की जो बहनें हैं वो इसमें पूरी इस कार्य योजना में अपना हिस्सा लेंगी और हमारे जो उप महापौर जी उस कार्यक्रम के सह संयोजक होंगे। इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम 8-9 दिन तक चलने वाला है। इसके फॉर्म 22 तारीख से बटना शुरू होंगे और 31 तारीख तक इसके फॉर्म उपलब्ध हो सकेंगे। हमने शहर में अलग अलग स्थानों पर बैनर हमारे कल लग जाएंगे, उन बैनर पर हमने संपर्क सूत्रों के टेलीफोन नंबर और नाम दिए हैं, वहाँ से बालिकाएं संपर्क करके फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं और वहाँ जमा करा सकती हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म 22 से 31 तारीख तक वितरित होंगे और 1 तारीख से 5 तारीख तक ये फॉर्म जमा करा पाएंगी। तो ये पूरी विस्तृत जानकारी मेरे को आपके माध्यम से हम बालिकाओं तक पहुंचानी थी, जो मैंने आपको समस्त बताई है। मैं समझती हूँ कि ये कार्यक्रम जिस प्रकार से संपन्न होगा हमारी बालिकाओं के जीवन में एक नई दिशा देने का काम करेगा। तो इस प्रकार से ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय बालिका कौशल विकास शिविर
यहाँ अजमेर शहर में लगने वाला है, जिसकी संपूर्ण रूपरेखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्र इसमें 16 साल से 25 साल तक की इसमें उम्र रखी गई है। फॉर्म जहाँ से वो प्राप्त करेगी, हमने जैसा मैंने कहा